मध्य प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अब प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ का गला घोटने की कुत्सित प्रयास कर रही है। सरकार चाहती है या तो सब उसके हिसाब से हो या मीडिया ही खत्म हो जाए। पूर्व मंत्री बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा, प्रदेश के पत्रकारों और उनके समाचार पत्रों को परीक्षण का डर दिखाकर भारत देश के गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सभी समाचार पत्रों को जारी होने वाले विज्ञापन की परंपरा को बाधित कर मध्य प्रदेश ने अपनी राष्ट्र विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा, कमलनाथ जी इन सभी समाचार पत्रों के माध्यम से हजारों परिवारों के रोजगार और आजीविका का पालन हो रहा है। सबसे पहले आपने पिछले एक साल से पॉलिसी के नाम पर वेबसाइट का विज्ञापन बंद कर दिया और अब समाचार पत्रों को भी दबाने और कुचलने का प्रयास किया है। सरकार के मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर आपातकाल की पुनरावृत्ति के कुत्सित प्रयास की मैं घोर निंदा करता हूं और अपने सभी मध्य प्रदेश के पत्रकार भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम और हमारी पार्टी आपका सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में आपके साथ हैं। पहले अन्य क्षेत्र थे, अब तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ अखबारों को भी मीडिया को भी इसके लपेटे में ले लिया है। पहले उन्होंने वेबसाइट पर विज्ञापन बंद कर दिए, उसके बाद में उन्होंने छोटे मझोले अखबारों पर तालाबंदी की कोशिश की, अब जांच के नाम पर मीडिया समूह से कागजात मांगे जा रहे हैं। 26 जनवरी जैसे पवित्र दिन की भी विज्ञापन से कोई नहीं की गई। कमलनाथ जी की सरकार आपातकाल में जिस तरह से इंदिरा जी ने मीडिया को सेंसरशिप कर दिया था, उस तरह से अघोषित आपातकाल उन्होंने प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया जगत पर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों पर किया है, जिसे मैं अच्छा नहीं मानता हूं। ये चाहते हैं कि ये जो बोले वही मीडिया बोले, ये जो कहे वही मीडिया कहे, जो चलाए वही मीडिया चलाए, जो संभव नहीं है। मीडिया अपने आप में स्वतंत्र इकाई है, इनका ये तरीका बहुत गलत है, चिंतनीय है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।